हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं करेले का अचार। तो यहाँ पे हमने 1 केजी करेला लिया है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, ये सूख गया है। तो अब हम इसको अच्छे से इसको छील लेंगे। इसको ऊपर वाली जो परत है ना, इसको हमको निकालनी है। तो इसको हम अच्छे से छील लेंगे और इसको मतलब छील के इसको साफ करके फिर हम ये सारे करेलों को इस तरह से ही हम कर लेंगे। आपको छीलना हो तो छील भी सकते हो, और अगर नहीं छीलना हो तो मतलब वॉश करके सुखा के अच्छे से फिर इनको साफ करके इनको बीच में हमने ये कट लगा दिया है। कट लगा के फिर हम इसके अंदर के जो बीज है ना, ये सारे बीज हमको बाहर निकालने हैं। तो इस तरह से हम सारे करेला साफ कर लेंगे। तो ये देखो, ऐसे आपको करना है, ये सारा ऐसे जैसे हम भरमा करेला बनाते हैं ना, सेम वो ही है, तो उसी तरह से करना है। तो ये देखो, हमने सारे ऐसे साफ कर लिए, इसके अंदर का भी बीज सारा निकाल दिया। अब हम यहाँ पे इसमें नमक और हल्दी अच्छे से इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे नमक और हल्दी इसमें लगा दे रहे हैं। इनको आप लगा के 2 घंटे के लिए आप इनको धूप में रख देना। उससे क्या होगा, ये अपना पानी सारा रिलीज कर देंगे। 2-3 घंटे के लिए आप इनको छोड़ दो, छांव में भी रख सकते, धूप हो धूप में रख दो। तो इनको अच्छे से ऐसे लगा के इस तरह से 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे अब हम ये सारे मसाले तब तक रेडी कर लेते हैं। तो ये है धनिया, जीरा, कलौंजी, मेथी, ये अजवाइन है, और ये सरसों है, ये सौंफ है। तो इन सारे मसाले इसमें सरसों, सौंफ और ये कलौंजी, ये मेन मसाले होते हैं, इनको अच्छे से डालो। तो यहाँ पर हमने ये आमचूर पाउडर भी लिया है, और ये नमक है, नमक मतलब इनमें ज़्यादा ही पड़ता है, ये इतना लिया था और भी हमने इसमें ऐड किया था, तो ये नमक इसमें ज़्यादा पड़ता है। कोई भी अचार हो उसमें नमक ज़्यादा है। यहाँ पर हम ये सारे मसालों को रोस्ट कर लेंगे, हल्का ही रोस्ट करना है। और रोस्ट करने के बाद फिर इनको हम दरदरा पीसेंगे। दरदरा ही पीसना होता है अचार के मसालों में, मतलब बारीक नहीं करने होते अचार के मसाले। इसमें कलौंजी नहीं आपको भूननी है, वो हम ऐसे ही साबुत ऐसे ही डालेंगे। तो ये हम इस तरह से हल्के से रोस्ट कर लेंगे, इनकी नमी निकल जाए, फिर हम इनको पीस लेंगे दरदरा। तो यहाँ पर हमें ऑयल थोड़ा आधा भी गर्म कर लेंगे, आधा ऐसे ही डालेंगे। तो 1 केजी में हम 500 ग्राम तो ऑयल डाल ही देंगे। और आप मतलब ज़्यादा मतलब साल भर भी रखना चाहो ना अचार, तो ज़्यादा पूरा मतलब डुबा के रख दो ये अचार। बिल्कुल कोई भी अचार हो, अगर आप तेल में डुबा देंगे ना तो कोई नहीं ख़राब होता है। तो आप इस तरह से इनको अच्छे से आप इनका जो पानी निकला है ना, इनको अच्छे से निचोड़ के अच्छे से इसका पानी सारा आपको निकाल देना। आप साफ कपड़े से भी इसको पोंछ सकते हैं। तो ये देखो, इस तरह से हमने कर लिए। तो अब हम हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। ये हमने हींग ऐड कर दी, और इसी में ही सारे मसाले ऐड करेंगे। आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो आपको अगर पसंद आए तो इस तरह से आप अचार बनाओगे ना तो साल भर खाओगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो ये जो हमने मसाले सारे बेसिक मसाले भी इसमें ऐड कर दिए, धनिया, हल्दी, नमक और ये लाल मिर्ची, और यहाँ पे हम काला नमक भी ऐड करेंगे, और ये जो हमने आमचूर पाउडर रखा था ना, वो भी इसमें अच्छे से आपको ऐड करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी खटास आती है ना, तो अच्छा रहता है खट्टे के लिए। आप आमचूर पाउडर, एक सूखा आम आता है उसको भी पीस के आप डाल सकते हो खटास के लिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच आप काला नमक भी ऐड करना, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो ये हमने विनेगर लिया छिरका, इसमें 2 चम्मच हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा फिर जल्दी गला देता है ना चीज़ों को, ये हमारे सेल्फ लाइफ बढ़ाता है हमारे अचार की, तो इसलिए हम विनेगर ज़रूर डालते हैं इसमें। तो इस तरह से आपको इनको इनके अंदर आपको इस तरह से अच्छे से इनको फिल कर देना है। जब ये सारे करेलों को इसी तरह से आपको भरना है अंदर मसाले, जैसे भरमा करेले बनाते हैं ना, ऐसे ही भर देना है। फिर इनको अच्छे से हम धागा से लपेट के देंगे, मतलब बांध देंगे, क्योंकि इसका मसाला बाहर ना निकले, इसलिए हमको इनको अच्छे से बांध देना है। तो ये सारे सारे करेले हमने ऐसे भर के तैयार कर लिए, इसको हम
डब्बे में भर देंगे। आपके पास कांच का जार हो तो उसमें भर दो, उसमें और अच्छा रहता है। तो हमने ऐसे भर दिया, इसमें ऊपर से एक बड़ी कटोरी भर के और भी ऑयल ऐड कर दिया है। आपको ज़्यादा करना हो तो ऊपर तक भर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे रख दो, ये कभी भी अचार ख़राब नहीं होता। आपको 2-3 दिन अच्छे से इनको हिलाना है, धूप में भी रखना है। ये देखो हमने फिर बड़े डब्बे में कर दिया, ये धूप में रख दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।